फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक इंडक्शन को कैसे रिपेयर करते हैं। तो उसका कॉइल जल जाए तो उस साइज़ का ना मिले कॉइल तो हम कैसे नया कॉइल इसमें इंस्टॉल करेंगे और इसे पूरा ओके करेंगे। तो ये है बजाज का, मैं आपको इधर दिखा दूँ, मैंने इधर रखा हुआ है। ये देखिए बजाज का है, ये स्क्रीन टच इंडक्शन है और इसे हम रिपेयर करने वाले हैं। तो इसमें मैंने नया कॉइल बैठा दिया है और हम आपको आगे इसमें बताते हैं। तो ये कॉइल नया जो है मार्केट में मिलता है मगर चाइना मिलता है, ये मैंने हैवेल्स का लगाया हुआ है। ये कॉइल हैवेल्स का ओरिजिनल कॉइल है जो कि इंडक्शन से निकाले जाते हैं। ये ओरिजिनल कॉइल है, मार्केट में आपको सस्ते मिलेंगे और ये आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेंगे, लेकिन ये पुराने होने के बावजूद भी ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल होते हैं और मार्केट वाले सस्ते होते हैं और वो नए भी होते हैं, लेकिन उनमें उतना दम नहीं होता है। इसका वायर का गेज देख लीजिए आप और इसका बराबर ही है। और इसमें देखिए एरिया का मैं ये आपको मैं रख के दिखा दूँ, और इस नीचे वाला बड़ा है, जितने में ये पूरा है उतने में केवल इसका कॉइल है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इस कॉइल को इसमें लगाया। बस आपको ये ध्यान रखना है जो वायर ऊपर का है उसे ऊपर वाले में कसना है, नीचे वाले को जो मतलब कि अंदर से निकल रहा है इसे मैं इसमें बता देता हूँ, यहाँ से उस मतलब जिसमें कसा हुआ उसी में आपको इसे टाइट कर देना है अच्छे से। और बस इसे थोड़ा लगाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। फ्रेंड्स इसमें जो ये खांचे थे वो अलग इसके हिसाब से देखिए यहाँ पर देखिए टाइट हैं, ये आप देख पा रहे हैं एक दो और ये तीन, तो इसको हमने हटाया तो इसके जो है थोड़ा सा लेग बड़े हुए हैं तो इनको थोड़ा सा हमें जुगाड़ से सेट करना होगा। बस आपको इसे कहीं से कहीं इसे बस फंसा देना है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है ना होल पे, तो यहाँ पे बस आपको एक होल करके इसमें टाइट कर देना है इसी तरीके से, जिस जिस पे ये देखिए सेटिंग इसकी आ रही है वहाँ पर लगा देना है, और नहीं तो बाहर से आप इसे पेंच लगा करके टाइट कर सकते हैं। तो मैं इसे पूरा सेट कर देता हूँ फिर आगे मैं आपको बताता हूँ और इसे चला करके भी दिखाता हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि ऐसा कॉइल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, मार्केट में भी ये दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए इस तरीके से आप किसी पुराने का निकाल के लगा सकते हैं या पुराना खरीद सकते हैं, और क्योंकि नया तो ये वाला मिलने को नहीं है, मिलता है वो वाला मिलता है चाइना वाला, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये ओरिजिनल हैवेल्स का है, मैंने बजाज में डाला है। तो इस तरीके से ये ओके हो चुका है, अब हम इसे पूरा फिट मतलब कि फिट कर लेते हैं कॉइल को, और उसके बाद हम आपको इसे टेस्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइनली इसे पूरा सेट कर लिए हैं, और देखिए मैंने इधर की ये एक लेग इसकी काट दी है, नहीं तो इधर ये हमारा फैन में लड़ रहा था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, और इधर दो लेग से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है और ये पूरा फिट हो गया है। अब हम इसे एक बार टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस पे देखिए प्लग को लगाते हैं इस तरीके से, देखिए मैंने लगाया, इधर देखिए बीप की साउंड आई, वोल्टेज शो करने लगा है। अब हम इसे यहाँ स्विच से ऑन करते हैं, देखिए फंक्शन आए 1400 में चालू हो गया। ये देखिए इधर ये 6 एम्पियर के अप्रॉक्स ले रहा है, 6.5 एम्पियर ले रहा है, और इस तरीके से 240 वोल्टेज है। और ये देखिए इधर ये वर्किंग पे आ गया है पूरा, और ये देखिए पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है। देखिए हम इसे उठाते हैं तो बंद हो गया, हमने इसे रखा फिर से ये चालू हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड आपको वीडियो देखने में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब। देखिए मैंने इसे और थोड़ा सा प्लस किया, ये देखिए 2100 में मैं ले आया, देखिए एम्पियर यहाँ पर कितने चले गए हैं। ये देखिए मैं यहाँ से माइनस भी करता हूँ, ये देखिए यहाँ से माइनस भी हो जो 2100 में पहुँच गया, और यहाँ से मैं देखिए कम भी कर रहा हूँ, इस तरीके से देखिए कम भी हो जा रहा है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है ये देखिए। और हम इसे और बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये बढ़ भी जाता है, ये देखिए बढ़ जाएगा जितना बढ़ाएंगे और जितना हटाएंगे घट जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो देखने के बाद कुछ जानकारी हासिल हुई होगी, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।